हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन डॉग्स थिंग्स। दोस्तों, आज हम जिस डॉग ब्रीड की बात करने वाले हैं उसकी पॉपुलैरिटी डिज्नी पर एक कार्टून एनिमेटेड शो आता था डेलमीशियन 101, वहां से ये ब्रीड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। जी, आपने सही गैस किया, आज हम बात करने वाले हैं डेलमीशियन डॉग ब्रीड की। हिस्ट्री एंड ओरिजिन। डेलमीशियन डॉग्स का ओरिजिन अननोन है, मतलब आज तक किसी को ये कंफर्म नहीं हुआ है कि डेलमीशियंस आए कहाँ से थे। डेलमीशियन रोमनीज के बंजारों के साथ, जिन्हें जिप्सीज भी कहा जाता था, इनके साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, इसलिए ये कहीं कंफर्म ही नहीं हुआ कि डेलमीशियंस को पहली बारी कहाँ देखा गया था। लेकिन डेलमीशियंस को ये नाम एड्रियाटिक समुंदर के ईस्टर्न तट पर एक जगह डेलमीशिया में रहने से मिला, जिसे आज के वक्त में क्रोएशिया के नाम से भी जाना जाता है। डेलमीशिया ब्रीड को इनके लंबे इतिहास के दौरान काफ़ी जॉब्स के लिए इस्तेमाल किया गया और इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग जॉब्स के लिए स्पेशलाइज किया गया। जैसे डेलमीशिया में इन्हें एज अ गार्ड डॉग, राइटर्स, रेट्रीवर्स एंड सर्कस डॉग्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। और इसके बाद इंग्लैंड में डेलमीशियंस को एज अ कोचिंग डॉग स्पेशलाइज किया गया। डेलमीशियंस हॉर्स वैगन्स, मतलब घोड़ा गाड़ी के आने से पहले रास्तों को साफ करना, घोड़ा गाड़ी के बराबर में दौड़ना, एक्सल्स के बीच में दौड़ना और घोड़ा गाड़ी के आराम करते वक्त उनको गार्ड करना, ऐसे कामों में यूज़ किया जाता था। और इसके बाद इनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दूसरे कामों में यूज़ किया जाने लगा। अमेरिका में डेलमीशियंस को फायर हाउस डॉग में काम मिला, जहां पर ये घोड़ा गाड़ी के साथ आग लगने वाली जगह तक जाते थे, फायर वर्कर्स को इक्विपमेंट्स लाकर देते थे और कभी कभी लोगों को आग में से भी रेस्क्यू करके लाते थे। और जब आग बुझ जाती थी तो ये फायर वैगन के साथ वापस स्टेशन आते और एज अ वॉच डॉग में ड्यूटी करते। और आज के वक्त में भी अमेरिका के काफ़ी हिस्सों में डेलमीशियंस को फायर हाउस डॉग में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से डेलमीशियंस को काफ़ी तरीके की जॉब्स में महारत हासिल हुई। विद फैमिली एंड किड्स। डेलमीशियन डॉग्स देखने में जितने ही सुंदर होते हैं, खेलने में ब्रीड उतने ही आगे होती है और इन्हें अपने फैमिली की अटेंशन काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। और अगर आप अपने बच्चों के लिए गुड, प्लेफुल एंड लवली फैमिली कंपेनियन लाना चाहते हैं तो डेलमीशियन इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू। एंड डेलमीशियन बाकी अदर पेट्स के साथ भी पोलाइटली रह लेते हैं। लिविंग विद डेलमीशियंस। गाइस, डेलमीशियंस बहुत ही एनर्जेटिक ब्रीड होती है, क्योंकि ये ब्रीड कई सेंचुरीज तक वैगन्स के साथ दूर दूर तक दौड़ती थी, इसलिए आपको इन्हें रोज़ पार्क ले जाकर एटलीस्ट 1 आवर की वॉक ज़रूर कराना होगा। और ये ब्रीड जल्दी वेट गेन नहीं कर पाती है, इसलिए आपको इनकी डाइट पर भी ज़्यादा ख्याल करना होगा। और मैं आपको जो अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसे शायद काफ़ी कम ही लोगों ने आपको बताया होगा कि डेलमीशियन ब्रीड में ऑलमोस्ट 8% पपीज डीफ पैदा होते हैं, मतलब उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। 20-24% पपीज सिर्फ एक कान से ही सुन सकते हैं, इसलिए आप जब भी डेलमीशियन पपीज को लें तो उनके कान को ज़रूर चेक करें। और इनके डीफ होने से बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करेंगे, ये आपको भरपूर प्यार करेंगे, बस ये ट्रेनिंग के वक्त कमांड नहीं सुन पाएंगे और अगर कमांड नहीं सुन पाएंगे तो ये ट्रेन नहीं हो पाएंगे। और आप इन्हें स्मॉल टू लार्ज हाउसेस इजीली रख सकते हैं, बट अपार्टमेंट के लिए, क्योंकि ब्रीड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक नहीं है। अडेप्टेबिलिटी। डेलमीशियंस का कोट शॉर्ट एंड स्मूथ होता है और इनको आप हॉट वेदर में आसानी से रख सकते हैं, बट कोल्ड वेदर में आपको इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी, लाइक इनको स्वेटर पहनाना, ये सब। और ये ब्रीड ज़्यादा शेड भी नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको रेगुलर ब्रशिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन। डेलमीशियंस थोड़े से प्लेफुल मूड में रहते हैं, इसलिए इनको ट्रेन करते वक्त आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए इनको बेसिक ओबीडियंस की ट्रेनिंग ज़रूर दें। और अगर आपके पास एक डीप डेलमीशियन है तो भी कोई बात नहीं, आप इन्हें हैंड साइंस के जरिए ट्रेन कर सकते हैं, फिर ये आपके हाथों के इशारों से आपके कमांड्स को परफेक्टली समझ जाएंगे। बस आपको एक डीप डेलमीशियन के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और सोशलाइजेशन बाकी डॉग्स की तरह डेलमीशियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पपी टाइम से इन्हें स्ट्रेंजर्स और दूसरे पेट से ज़रूर मिलाएं। गार्ड डॉग्स। डेलमीशियंस को आप एज अ गार्ड डॉग रख सकते हैं, बट इनके अटैकिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है, इसलिए आपको इनको अटैक की कमांड ट्रेनिंग देनी होगी। और वॉच डॉग्स तो पहले से ही बहुत अच्छे होते हैं। हाइट, वेट एंड लाइफ स्पैन। डेलमीशियन मेल की हाइट 22 इंचेस से 24 इंचेस तक होती है, फीमेल की हाइट 20 इंचेस से 22 इंचेस तक होती है। मेल का वेट 22 केजीस टू 30 केजीस तक होता है, फीमेल का वेट 21 केजीस टू 29 केजीस तक होता है। और इनका लाइफ स्पैन 11 टू 12 ईयर्स तक का होता है। कलर्स। डेलमीशियंस हमको 3 कलर्स में मिलते हैं, वाइट विथ लीवर ब्राउन स्पॉट, वाइट विथ ब्लैक स्पॉट, पैच्ड कलर्स। और डेलमीशियंस जब पैदा होते हैं तो ये पूरे प्योर वाइट कलर के होते हैं, बट ये जैसे बड़े होने लगते हैं तो इनके स्पॉट कलर्स आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो डेलमीशियन ब्रीड के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम नमस्ते एंड जय हिंद।